नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, एक ट्रेंड न्यूज है चीन की करतूत के संदर्भ में कि चाइना ने 5 साल पहले ही 2015 में ही अपने मिलिट्री के अफसर, अपने साइंटिस्ट के सहयोग से उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन के रूप में कोरोना वायरस का किस प्रकार यूज किया जाए अपने शत्रु देशों के विपक्ष में, इसका खुलासा हो चुका है। वेपनाइजेशन ऑफ कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में, एक विशिष्ट वायरस कोरोना वायरस का कैसा हम प्रयोग करें ताकि हम अपने शत्रु देशों के विपक्ष में इसका प्रयोग कर सके, उन्हें पीड़ित कर सके, उनके एज होल सिस्टम को ध्वस्त कर सके, उनके इकोनॉमी सिस्टम, उनके हेल्थ सिस्टम को ध्वस्त करें। चाइना ने 5 साल पहले जो मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया और प्रॉपरली उन्होंने डिस्कशन अपने 16 अधिकारियों के साथ उन्होंने करी, इसकी जानकारी, इस डॉक्यूमेंट की प्राप्ति अमेरिका के उच्च स्तरीय अधिकारियों को हुई। वहां से यह जानकारी ऑस्ट्रेलिया को हुई। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन द ऑस्ट्रेलियन में यह पूरी की पूरी खबर को छापा गया और आज पूरा विश्व का जनमानस यह जान चुका है कि आज जो पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा है उसका मुख्य जिम्मेदार जो देश है वो चाइना है। वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत लाने का प्रयास, अमानवीय हरकत करने का प्रयास, सामान्य जनता को पीड़ित करने का प्रयास जो चाइना ने किया है, पूरे विश्व स्तर पर अपनी दादागिरी वाले भाव में आने वाले उस एक अप्रासंगिक जो उसका टारगेट है, लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए उसने अमानवीय हरकत करी है। मित्रों, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वास्तविक रूप से विश्व युद्ध 3री की नौबत आ रही है, क्या हम सब युद्ध के साये वाले उस दुष्चक्र काल में हम एंट्री कर रहे हैं, क्या हमारा देश भारत खतरे की घड़ी वाली उस कालखंड में आने वाला है। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे और आपके जनमानस में आने लगती है। जहां आज पूरा विश्व पीड़ित है कोविड से, वहां चुप्पी साधे बैठा है चाइना। उसकी ऐसी कोई भी कार्यप्रणाली जो ट्रांसपेरेंसी मोड को टच नहीं करती हुई हम सब देख रहे हैं, हम सब उसे महसूस कर रहे हैं। चाइना पर भरोसा करने की कतई आवश्यकता नहीं है, इसे पूरा विश्व समझ चुका है। परंतु मित्रों, अगर हम ज्योतिषी विश्लेषणात्मक प्रविधि के इस्तेमाल करते हुए कि आगामी भविष्य में, तात्कालिक भविष्य में चाइना और क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, इसका परीक्षण कैसे करेंगे। 1962 में 20 अक्टूबर की तारीख है, 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 के अंतराल में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, जहां चाइना की मकर राशि मकर लग्न की जनपत्रिका है और हमारे देश की वृषभ लग्न और कर्क राशि की जनपत्रिका है। गोचर काल में हम एंट्री करते हैं तो जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, अर्थात 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 के उस अंतराल कालखंड में हम जब गोचर पर दृष्टिपात करते हैं तो तीन मुख्य बिंदु के रूप में तीन ग्रहों के विशेष नियत राशि में जो वर्तमान समय में 2021 में उसी क्राइटेरिया वाले कालखंड में हम एंट्री कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। थोड़े समय की आवश्यकता है, आपका थोड़ा समय लेना चाहता हूं। मित्रों, कर्क राशि का मंगल नीच का माना जाता है, जो चंद्रमा की राशि है, और युद्ध वाले उस कालखंड में 1962 में उस गोचर काल में मंगल चंद्रमा की कर्क राशि का विराजमान था। हिंदू नववर्ष नया संवत 2078 के इस नए संवत में मंगल ही राजा है, मंगल ही मंत्री है। और मैं पहले के एपिसोड में बता चुका हूं कि हमारे देश की जनपत्रिका में अकारक ग्रह मंगल है, मारक अधिपति मंगल है, और मंगल इस नए वर्ष में कुछ देने वाले नहीं है, मंगल बहुत कुछ लेने वाले हैं, शांति को भंग करने वाले हैं, हम सबको व्यग्र करने वाले हैं। जो मंगल की चारित्रिक विशेषताएं हैं, लावा, अग्नि का कारक, इसे पीड़ित करने वाले हैं। जहां मंगल उस युद्ध वाली, भारत चाइना का जब युद्ध हुआ था 1962 के उस गोचर काल में, जहां मंगल नीच की अवस्था में थे, वहीं 3 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 के इस अंतराल कालखंड में
उसी नियत राशि कर्क राशि में मंगल नीच की अवस्था में आने वाले हैं, इसी कर्क राशि से विचरण करने वाले हैं। उस युद्ध वाली घड़ी में जहां शनि अपने स्वयं की मकर राशि में विराजमान थे और वर्तमान मौजूदा काल में उसी अपने स्वयं की राशि मकर राशि से शनि गुजर रहे हैं। तीसरे स्टेप पे दृष्टिपात किया जाए तो बृहस्पति वक्र स्थिति में कुंभ राशि शनि की कुंभ राशि से विचरण कर रहे थे उस युद्ध की अवस्था कालखंड में 1962 की मैं बात कर रहा हूं, और आज वर्तमान समय में भी उसी कुंभ राशि उसी नियत राशि से बृहस्पति विचरण कर रहे हैं। उस युद्ध वाली कालखंड में बृहस्पति वक्री थे और 18 जून 2021 को बृहस्पति उसी नियत राशि कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। सारांश तथ्यात्मक संकलन मित्रों यही है कि चाइना की जो भी करतूत है, जो भी उसकी एजेंडा है, वह अपनी विश्वसनीयता को खो चुका है। 2021 के तात्कालिक भविष्य की यदि बात करें तो 3 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 में चाइना पर विशेष नज़र रखनी होगी। हमारे देश की शासन स्तर पर सुंदर कार्रवाई करते हुए हमें सजग रहना होगा, चौकस रहना होगा, हम सबों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। रेड अलर्ट वाली उस कालखंड में क्षमा चाहूंगा 3 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 तक हम सबों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत चाइना के उस युद्ध काल वाली गोचर काल में जहां मंगल कर्क राशि का नीच की अवस्था में था, शनि मकर राशि में अपने स्वयं की राशि में विचरण कर रहे थे, बृहस्पति वक्र स्थिति में कुंभ राशि से गुजर रहे थे, सेम वह तीनों ग्रह उसी नियत राशि में रिवॉल्व कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 3 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 के उस अंतराल कालखंड में हम सबों को चौकस रहने की आवश्यकता है। जहां चाइना की मकर राशि मकर लग्न की जनपत्रिका है, चाइना की जनपत्रिका पर ध्यान देंगे तो चाइना का लग्नेश शनि लग्न से गुजरता हुआ और चाइना की जनपत्रिका में नीच की राशि में मंगल वैसे भी विराजमान सातवें भाव में है और गोचर की व्यवस्था में कर्क राशि का मंगल 3 जून 2021 को उसी नियत राशि कर्क राशि में नीच की अवस्था वाली कालखंड में मंगल एंट्री करने वाले हैं। मित्रों 3 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 तक हम सबों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों एक छोटी सी व्याख्यान कि क्या वास्तव में युद्ध के साये वाले उस दुष्चक्र कालखंड में हम एंट्री करने वाले हैं, क्या हमारा देश भारत खतरे की घड़ी वाले कालखंड में एंट्री कर रहा है, क्या चाइना मुख्य जिम्मेदार देश है वर्ल्ड वॉर III की नौबत में पूरे विश्व को लाने में। मित्र एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।